हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट 2018 में जो जुलाई एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आज अनाउंस हो गया है, दैट इज़ ऑन 31st of July। तो इस बार जो रिजल्ट है विदिन अ मंथ हमारे पास रिजल्ट आ गया है, बिकॉज एग्जामिनेशन हुआ था 8th of July को और 31st of July को जो कमेटी है उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। दैट इज़ अ वेरी फास्ट एक्शन एज यू कैन सी। विद इन 22 days ऑफ हैपनिंग द एग्जामिनेशन यू गॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड There's a change in the cutoff as compared to before। जैसे कि पिछले साल आपने देखा था जो कट ऑफ थी उस समय पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। तो इस वीडियो के अंदर हम उस एनालिसिस को करेंगे किस तरह से कट ऑफ जो है वो डाउन गई है और कितना डाउन गई है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने पेपर की एनालिसिस की थी। अब अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो आप cbseresults.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा CBSE UGC नेट एग्जामिनेशन 2018 रिजल्ट विच इज़ अनाउंस्ड ऑन 31st July 2018। तो रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गया है। अब जो पिछले साल में था यानी कि नवंबर 2017 में जो कट ऑफ गई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गई थी फॉर JRF वो थी 65.71% और टोटल 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। और असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारे पास 56% कट ऑफ गई थी जहाँ पर 1262 यानी कि 1262 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। OBC कैटेगरी में 60.57 कट ऑफ गई थी जहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स OBC कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे वो 58 स्टूडेंट्स थे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 49.71% कट ऑफ गई थी जहाँ पर टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 784। इन द सेम वे फॉर एवरी कैटेगरी यू कैन चेक आउट द कट ऑफ फॉर लास्ट ईयर, दैट इज़ नवंबर 2017 एग्जामिनेशन। अब जो जुलाई 2018 में एग्जामिनेशन हुआ है अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है कि कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब आपके पास एक प्रॉपर कट ऑफ है कि इस बार कट ऑफ और पिछली वाले बार जो कट ऑफ गई थी उसमें कितना डिफरेंस आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है इस बार दैट इज 60% और फॉर JRF तो पहला जो कॉलम है यहाँ पर कट ऑफ का वो JRF को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा कॉलम है वो है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस दोनों केस में आप चेक कर सकते हैं, पहले जो कट ऑफ थी वो 65.71% थी लेकिन अब सिर्फ 60% ही कट ऑफ गई है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6% का डिफरेंस है जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस माना जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के केस में। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 56% थी लेकिन अब जो कट ऑफ गई है वो 51.33% की कट ऑफ गई है। उसी तरीके से OBC कैटेगरी में जो इस साल जो कट ऑफ गई है वो 56% गई है और लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 60.57% थी। अब जो दैट इज़ फॉर JRF, अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ गई है वो 46% के लिए कट ऑफ गई है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि SC ST और PWD कैटेगरी इन एवरी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। देखिए इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं, मैंने हर एक कैटेगरी वाइज इसीलिए डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं कि इन एवरीथिंग हमारे पास कम से कम 5 से 6% की जो कट ऑफ है वो कम गई है। अब हर एक केस में आप कट ऑफ को मैच कर सकते हैं, इससे आपको क्लियर एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन था वो पहले से स्लाइटली डिफ़िकल्ट था और बिकॉज पैटर्न चेंज भी था इस वजह से आप उसको भी थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो पैटर्न चेंज से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वो है एग्जामिनेशन में जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। इस बार जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो पहले से काफ़ी बेहतर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस से काफ़ी बेटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इस बार आए थे और इसी वजह से जो रिज़ल्ट है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, है ना। अब अगर आपको हमारे कोर्सेज लेने हैं तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ digimento.com और यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स विच इज़ प्रोवाइडेड हियर बिलो इन दिस स्लाइड एंड यू कैन टेक आवर कोर्सेज विच इज़ ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स। इफ़ यू सी ऑन सोशल मीडिया मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग अस ऑन आर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन आर फेसबुक पेजेस एंड वी आर बीन नंबर 1 इन UGC एंड कंप्यूटर साइंस। In very short period we acquired this result that as compared to the number of students who got selected, जितने students का selection हुआ है उसके wise भी और number of students जो हमसे इस समय पर क्लास हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, according to that we are the number 1 in UGC NET computer science courses। तो अगर आप हमारे courses लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे contact numbers पर भी call कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपके फ्यूचर के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम लोग कॉन्स्टेंटली इसी तरीके से आपके लिए अच्छे से अच्छे कोर्सेज बनाते रहेंगे और इसी तरीके से आपके अच्छे से अच्छा आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक आर कोर्सेज देन यू कैन कॉल अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन बिलो इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।